मैम कितने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्शन कर दिया, ठीक है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हर घर में चार बंदे बेरोजगार बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं संकल्प सत्याग्रह। ये जो लगातार गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था उसी के तहत ये लोग यहाँ पर आज जुटे हैं और गांधी जी का देश जो है उसको जिस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह पर लाकर और अहिंसा के रास्ते पर चले थे उसी सबके लिए यहाँ पर ये लोग जुटे हैं। तो सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? जया वाधवानी। तो मैम, आप ये लिखा हुआ है आपके पोस्टर पे, हम देख सकते हैं संकल्प सत्याग्रह, तो ये क्यों सत्याग्रह की जरूरत है? मैम, सत्याग्रह की जरूरत तो है ही सही ना, क्योंकि आम जन में इतना उपविग्रह हो रहा है तो इस वजह से सत्याग्रह की जरूरत तो है ही सही। और गांधी जी शुरू से ही सत्याग्रह पे चलते आए हैं तो हम तो आज भी और कल भी हमेशा ही सत्याग्रह का ही साथ देंगे। और सत्याग्रह क्या खत्म हो गया है मैम? अभी भी लोग सत्याग्रह पर चल रहे हैं, अहिंसा का रास्ता चुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अभी भी है। जी हाँ, अभी इसकी जरूरत क्या पड़ी? सर्व सेवा संघ का ये सेवा ग्राम वर्धा से आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कोटा राजस्थान से। जी, तो ये संकल्प यात्रा का क्यों, मतलब सत्याग्रह का, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सत्याग्रह और गांधी के रास्ते पे तो लोग चल ही रहे हैं और हमेशा से गांधी जी का तो जो उन्होंने कहा है उनके कहे रास्ते पर लोग चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हाँ चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सत्याग्रह इसलिए है, गांधी आश्रम पे मोदी सरकार अभी दावा ठोक रही है तो उस चीज के लिए है। क्या चीज का दावा ठोक रही है मोदी सरकार? उसे वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं, बस इसी का ही ये सत्याग्रह है और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो उसको अगर अंडर में ले लेंगे तो वो भी तो गांधी जी के देश में रहते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं मोदी जी? मैम, सत्य की बात तो वो करते हैं लेकिन सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं। आज तक उन्होंने जितने वादे किए कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कितना वादा उन्होंने, 2 करोड़ जो है रोजगार देने की बात की, लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया, कॉरिडोर्स बनवा दिए, हाईवे बन रहे हैं। मैम कितने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्शन कर दिया, ठीक है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज हर घर में चार बंदे बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगार बता रही है, मोदी जी कह रहे हैं सबको रोजगार मिल रहा है, हर घर तिरंगा हो, तिरंगा यात्रा निकल रही है। नहीं, वो चीज अच्छी है, तिरंगा हो, हम भी चाहते हैं तिरंगा हो हर, क्योंकि वो हमारा राष्ट्र का झंडा है तो उसके लिए तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी हर घर में है। आप आम जन के घरों में जाकर के देखिए, आपको आज भी घर में बैठे हुए ही मिलेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने गवर्नमेंट जॉब हटा दी, उसको प्राइवेट सेक्शन कर दिया, अग्निपंथ का कर दिया 4 साल के लिए, बच्चों का 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के बच्चे जॉब करेंगे और उसके बाद फ्री बैठेंगे, पढ़ाई खत्म, उनका फ्यूचर खत्म, उनकी लाइफ खत्म। अग्निपथ ला करके उन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर बोला गया है उनको, अग्निवीर का नाम भी दिया गया है, तो उनको 4 साल बाद जो है भाजपा के कार्यालय में ही जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। मैम तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, जो बंदा सैनिक सेना से आ रहा है और वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा 4 साल के बाद, बाकी की तमाम उम्र वो सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती है मैम? 6,500। क्या 6,500 रुपये में वो अपना परिवार व्यापन कर पाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मोदी जी ने तो स्कीम निकाल दी, उसके तहत लोग जो है फॉर्म भी भर रहे हैं ना। हाँ, 10 लाख भरे भी जा चुके हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि 4 साल हम जॉब करेंगे उसके बाद ना हमें कोई पेंशन मिलेगी ना हमें कोई वित्तीय भत्ता, क्योंकि जो वो मिलेगा वो भी उनकी तनख्वाह से काटा जाएगा, PF 5 लाख रुपए। अभी और भी लोग हैं मैम, आपके क्या नाम? मेरा तो ये कहना है कि हम जो सत्य अहिंसा के मार्ग पे जो चल रहे हैं, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि नागरिक अधिकारों का जो हमें नागरिक अधिकारों की बात करनी है, हमें सद्भावना की बात करनी है, हमें कौमी एकता की बात करनी है। हम चाहते हैं कि हम लोग इस माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, हम गांधी जी के मार्ग प्रश्न चिन्हों पर चलें और उसको चलते हुए ही हम अहिंसा के माध्यम से ही अपनी जीत हासिल करें। क्या अभी कौमी एकता नहीं है मैडम? अभी कौमी एकता को तोड़ा जा रहा है।
कैसे? क्योंकि जैसे बात होती है कि मुसलमानों को हिंदू से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम आज भी जिस मंच के माध्यम से काम करते हैं, सम्मर्ग सेवा संस्थान के माध्यम से काम करते हैं, सर्वोदय मंडल के माध्यम से काम करते हैं, वहाँ हम सारे जाति के लोग हैं और लेकिन हम एक रहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस माध्यम से एक मंच पे हम सब बैठे हैं, वैसे पूरे हिंदुस्तान में लोग एक मंच पर बैठे हैं, हम उनको एक मंच पे बिठाना चाहते हैं और बिना लड़ाई के लड़ाई जीतना चाहते हैं। मगर मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी सबको समान लेकर चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक मंच पे, एक मंच की तो बात वो भी कर रहे हैं। मैम मैं ये नहीं कहती कि वो एक मंच की बात नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करना चाहिए वो होता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कहें वो हो। क्या करना चाहिए? सब लोगों को एक मंच पे लेना चाहिए, गरीब आदमी का सोचना चाहिए। भाई हम चाहते हैं किसानों को किसानों का हक मिले, गरीबों को गरीबों का हक मिले। आज हर घर में बेरोजगार बैठा है, नौजवानों को नौकरी मिले, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो, ये करने के काम है। ये जीएसटी जो बढ़ाया गया है, तो सरकार का कहना है कि भाई जो श्रीलंका जैसे हालात ना बने इसीलिए ये जीएसटी लगाया गया है, पहले से काम कर रहे हैं। ये जो खाद्य सामग्री पे जो जीएसटी लगाया गया है, इससे हालात, उनका कहना है माननीय श्रीमान मोदी साहब का कि ये हालात श्रीलंका जैसे ना बने, लेकिन खाद्य सामग्री पे जीएसटी लगने के बाद हालात और बद से बदतर बन जाएंगे। क्या बच्चे के दूध पे जीएसटी लगी है? जब हम चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं खरीद पा रहे, आम जनता गैस के लिए परेशान है, अब वो खाद्य सामग्री के लिए भी परेशान होगी। क्या चाहते हैं? कहाँ है परेशान जनता? हिंदू राष्ट्र बन चुका है सर, क्यों बनाए कि नहीं बनाए? हिंदू राष्ट्र खुश है हिंदू राष्ट्र बनने पर? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? बनने से क्या होगा? हम तो सब पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, पूरे कौमी एकता का काम करते हैं और गांधी के विचार पे चल रहे हैं। जो गांधी ने इस देश को आज़ादी में लाने में सबका सहयोग लिया, अब आज की स्थिति क्यों पैदा हुई, हमें सत्याग्रह पे क्यों आना पड़ा? आपको पता है ना हम क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो कभी नहीं थे, और आने वाले समय में जो हालात अंग्रेजों के ज़माने में था वो आज इस ज़माने में वापस आने वाला है। तो हट गर्मी, इंडिया बन रहा है, हट गर्मी कहीं नहीं गया मेरा, न्यू इंडिया बन रहा है मोदी जी कह रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हर घर तिरंगा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा पहले भी था देश में, तिरंगा आज से हुआ है क्या? उनके आने से हुआ है क्या? देखिए आप अभी हर रोड पे देखेंगे। आप जो पूछ रहे हो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि देश में तिरंगा आज पैदा हुआ क्या उनके आने से? घर घर में आज पैदा हुआ क्या? घर घर में सब देश में उस समय पैदा था जब हमारा देश आजाद हुआ था। जब से आज तक तिरंगा चल रहा है, तिरंगा मान कौन कर रहा है? किसानों ने जो इतने दिन वो काम, तिरंगा रैली क्यों निकाली जा रही है अगर लोगों के दिल में तिरंगा पहले से? तिरंगा रैली तो खुशी के लिए पूछती हो, ये तो मोदी जी से, मोदी जी की रैली में आप जैसे लोग ही शामिल हो। नहीं तो आप मोदी जी से पूछो ये प्रश्न, हमसे कैसे पूछे? हाँ ये मोदी जी से पूछिए, मोदी जी बहुत काम करते हैं। मोदी जी ने आज दिन तक एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, आप मोदी जी से पूछे इस तरह के प्रश्न, हमसे मत पूछिए। मोदी जी बहुत काम करते, बिजी रहते हैं, हाँ इसीलिए वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं इसीलिए। घर घर तिरंगा लग तो रहा है अब, उन लगवा रहे हैं लोग, भूल चुके थे। बहुत अच्छी बात है, उनको अकल आई 75 साल के बाद, उनको अकल आई कि तिरंगा आवश्यक है, हम उनका स्वागत करते हैं इसके। आप हर रोड पे देखिए तिरंगा तिरंगा लहरा रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं इसका। सामने आप दिखा दीजिए कैमरा से, वो वहाँ सामने आप जूम करके दिखा दीजिए, सामने तिरंगा है जो कि रोड पे पड़ा हुआ है, जिस तिरंगे की मोदी जी बात कर रहे हैं, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, वो तिरंगा आज ऊपर ना लहराते हुए जमीन पर पड़ा है। अब अभी तिरंगे पे ही जो है अभी हम सवाल कर रहे थे, तो तिरंगे की हकीकत आपने दिखा दी, राष्ट्रध्वज का अपमान ही है, फिर तिरंगे का अपमान हो गया है, तिरंगा यहाँ पर
क्या बात है तिरंगा के सम्मान है, सम्मान है ये, बिल्कुल बिल्कुल रोड पे पैरों में आ रहा है, ये सम्मान है तिरंगे का। मोदी जी यही करना चाह रहे हैं ना, हर घर में ला करके। मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ मोदी का क्या दोष है भाई? हम कह रहे हैं 2 करोड़ के रोजगार आपको मिला है जो मोदी जी ने काम को, तो ये जो मोदी जी से हम बात बताइए तो प्यार से है ना, जो फिर एक बार इस देश की दशा बदलना चाहते हैं और इसके लिए हमने संकल्प यात्रा का आगाज किया, फिर से दशा बदलना चाहते हैं। क्या दशा बदल चुकी है क्या? बदल गई ना, आज इतनी नफरत हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, खाने का नहीं है लोगों के पास, राशन मिल तो रहा है लोगों को खाने, तो इसीलिए गरीबी की वजह से 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं ना, तो रोजगार कहाँ है? इसीलिए तो दे रहे हैं, तो रोजगार सृजन कहाँ की गई इन्होंने? उनसे पूछो आप, हमसे क्यों पूछते हो ये बात? आपसे क्या पूछा जाए, हमसे तो ये देश की जनता है, हम देश की जनता है, हम फिर एक बार इस देश में प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं, क्योंकि वो गंगा का बेटा बुलाया था लेकिन वो उसको गंगा को साफ करके कैसे कैसे मिशन चलाए हैं, नमामि गंगे, गंगे को पूरा जो है देखिए पवित्र कर दिया, उस गंगा को अमृत महोत्सव में उनको साफ करना था, वो नहीं हुआ। आप उनसे पूछिए कि मोदी जी गंगा साफ क्यों नहीं हुई? आपको तो बुलाया इसीलिए था ना कि गंगा में साफ कर दूंगा, फिर क्यों नहीं हुई? उनसे पूछिए आप, हमसे क्यों पूछते हो? ये तो उनका प्रोजेक्ट है, उनसे कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमसे क्यों? हम तो इस देश में किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा उनके सुख सुविधाएं हो, हमारा देश एक सदाबहार देश है। सुविधाएं नहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, इसीलिए तो जनता सड़क पे है, इसीलिए जनता सड़क पे है। लोग, युवा खुश है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। युवा अगर खुश होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती, आज केवल डिवाइड करो और देश पे राज करो। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि एक बार हम फिर, हमने गलती करी, मोदी जी को लाए, हम फिर बदल देंगे। हमारा मोदी जी को लाए, गलती करी क्योंकि पहले कांग्रेस को इतने वर्षों तक राज किया, मोदी जी को ले आए, मोदी जी ने फिर वही काम किया। जो मोदी जी ये कहते थे कि मैं FDI 49% में राजी नहीं हूँ, वो 100% FDI ले, कांग्रेस की नीतियों को मोदी जी ने लागू किया, सारी कांग्रेस की सारी नीतियों को मोदी जी ने लागू किया, कांग्रेस की सारी नीतियों को मोदी जी ने किया। हाँ आप देखो, इतिहास उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा। कांग्रेस ने तो खिड़की खोली थी लेकिन मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया, इनका कहना दरवाजा खोल दिया। हाँ। तो बस दरवाजा खोल दिया आपके लिए, लूटो लूटो ये लूटो, मैं भी लूटू तुम भी लूटो, लूट रहे हैं। 4 आदमी सरकार चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, गुजरात के हैं आपस में। मैं तो अभी ये बताइए कि अभी 15-15 लाख के 2 ट्रेन के बारे में 4 आदमी कौन है बता दीजिए, आज देश को बता दीजिए। वो दुनिया जानती है, वो दुनिया जानती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सकारात्मक प्रश्न करिए, हम सकारात्मक प्रश्न के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 20 लाख स्टूडेंट PMT की परीक्षा देते हैं, उसमें सिर्फ 16,000 से 20,000 के बीच में बच्चे उसमें क्लियर होते हैं। 19,80,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप बताइए, मोदी जी से पूछिए, हमसे काहे को पूछते हो? आप लोग रोड़ों पे क्यों हैं फिर मोदी जी? हम इसीलिए हैं कि हमने जो गलतियां करी ना, मोदी जी मैंने बताया, मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा है, आदमी कितने भी घंटे काम करो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इससे कि मैंने, मेरा विजन क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मैं किस तरह से इस देश को आई। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। -30 की डिग्री में रूस, वहाँ संपन्न देश है। अच्छा सब छोड़िए, ये बताइए, मेरी बात सुनो पहले। और हमारा सदाबहार देश है जिसमें झोपड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और हम यहाँ पे है ना, जो गरीब है, हमारा रुपया नीचे गिरता जा रहा है। 2013 में मोदी जी ने कहा था कि भारत सरकार बताए रुपया क्यों गिरा, और अब मोदी जी बताए उनके राज में तो सबसे ज्यादा गिरा। तो पूछो उनसे, आप जा करके उनसे पूछो। मोदी जी तो आप देखिए मंचों पे आके बहुत अच्छे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। हमने गलती कर दी ना, हम बदल देंगे, सीधी बात है, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? हर जगह तो जीत उन्हीं की हो रही है। ये तो समय, हर जगह पार्टी जीत रही है। ये समय बताएगा
ये मीडिया से हम इस बारे में है ना जो इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, समय बताएगा, जनता बता देगी। अच्छा, सत्याग्रह का बता दीजिए, क्या मोदी जी गांधी जी की बातों से सहमति नहीं रखते? अरे वो तो आंदोलन जीवी कहते हैं लोगों को, आंदोलन जीवी कहा उन्होंने संसद में। अच्छा। और आजादी आंदोलन से ही मिली है, उन्होंने गलती करके है ना जो अपने कानून वापस ले लिए उसको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, शर्म होती तो दे देना चाहिए था। हाँ, कोई आदमी गलती करता है ना तो शर्म आनी चाहिए। पहले कानून हमने किसानों ने नहीं मांगे थे कि आप हमारे लिए तीनों काले कानून लाओ, बाहर से कानून ले आए, जनता पे लाद दिए किसान। फिर जब आंदोलन हुआ तो 13 महीने तक तो यही कहते रहे ये तो आतंकवादी है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये कोई किसान नहीं है। तो हम फिर जब उनको अकल आ गई कि अब यूपी में चुनाव है तो लोगों के कानून वापस ले लिए, फिर हमने तब भी आंदोलन वापस नहीं लिया, उन्होंने संसद में उसको पास किया। किसान नेता है तो आ जाइए सर, किसान नेता है तो हमारे साथ किसान नेता बता रहे हैं लोग। तो सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद गोड़। हाँ जी, अब्दुल हमीद गोड़ जी। अब्दुल जी ये बताइए, तो किसान नेता है, काले कानून की बात कर रहे हैं, तो अब मोदी जी ने मान तो लिया, उनको MSP मिल रही है, सब कुछ हो रहा है किसानों के लिए। MSP के ऊपर जो उन्होंने बनाई थी ना वो उसमें कहीं जिक्र नहीं है। और जब जब भी ये आंदोलन हुआ और जब जब भी सरकार ने पलटने लगी, आंदोलन अन्ना ने भी किया था लोकपाल बिल लाने के लिए, और लोकपाल बिल आज तक वापस पास नहीं हुआ, इसलिए ये तो गवर्नमेंट का वो है। तो सर ये अब जो सत्याग्रह की जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी सत्याग्रह की? जरूरत इसलिए पड़ी, नवयुग किसान गरीब मजदूर और इस महंगाई की त्राई त्राई और दमनकारी सरकार, दमनकारी होती है, बिल्कुल दमनकारी होती है जो आपस में लड़वाती है। सरकार का काम होता है प्यार से रहना, लोगों को प्यार बांटना, ये गांधी का देश है, गांधी को पूरी दुनिया मानती है। तो मोदी जी प्यार नहीं बांट रहे? नहीं प्यार ये तो आप बताओ नहीं, प्यार बांट रहे मोदी जी। आपने कहा कि सरकार का काम होता है प्यार बांटना। एक मिनट, यूपी अभी हमारे यूपी निमटा, 400 वहाँ पे विधायक हैं, एक मियाँ को टिकट मिला गया, प्यार कहाँ बांट रहे? माइनोरिटी को एक टिकट दिया क्या? दिया क्या? आप बोलो दिया नहीं मिला, फिर प्यार कहाँ हुआ? कहाँ प्यार हुआ? सबको साथ लेके चल रहे हैं, साथ लेके चलते टिकट मिलता, टिकट मिलता वहाँ से, विनाश हो रहा है नहीं विनाश, सरकारें तो विनाश करे या विकास करे, सरकार कोई भी हो विनाश करे या विकास करे, महंगाई GST दूध चावल दही जो खाने की चीजें हैं उन पे GST, राशन तो मिल रहा है फ्री, लोगों को राशन दिया जा रहा है नहीं 5 किलो नहीं, राशन कितना दे देंगे? जब तक हम जनता को स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, जनता को हम शिक्षा में आत्मनिर्भर बना तो दिया, आत्मनिर्भर तो हमारी GDP कहाँ है, हमारा रुपया कहाँ है, हमारा रुपया कहाँ है? 2014 में $39 $1 $39 आज 80 रुपया मिल रहा है, तो इसलिए स्वाभिमानी है, मोदी जी को चाहिए सबको साथ लेके चले, साथ लेके नहीं चल, ये हिंदुस्तान है, जय जगत, जय राम जी की, राधे राधे, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सबके नाम गिना दिया, जय हिंद। चलिए तो अभी इन लोगों से हमने बात की और लगातार जिस तरीके से ये सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो है गांधी के रास्ते पर ये देश चलना चाहिए, एक बार फिर से लोगों को सत्याग्रह करना चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ संकल्प सत्याग्रह का आह्वान किया जा रहा है, लगातार जो है गांधी जी के देश को फिर से याद किया जा रहा है, गांधी जी की राह पर चलने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, लगातार इस तरीके की ये बातें कह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार सत्ता में आकर लोगों के हक अधिकारों को भूल गई, लोगों को भूल गई या जनता के जो भी अधिकार थे और उनके जीने का और खाने का अधिकार था तो वो सब छीन लिया गया, महंगाई बढ़ा कर दी गई, लगातार ऐसे ही मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक संकल्प सत्याग्रह का जो है आह्वान किया जा रहा है लगातार, तो आप सामने देख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।